चले प्रशासन मुर्दाबाद 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 चले प्रशासन मुर्दाबाद 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 चले प्रशासन तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी चले प्रशासन तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी चले प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ चले प्रशासन होश में आओ होश में आओ। छात्रों और छात्राओं के पक्ष में उतरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला संगठन। जी हां, छात्र और छात्राओं का रिजल्ट घोषित न होने के कारण छात्र छात्राएं बैठ गए धरने पर, जहां छात्र छात्राओं का कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। छात्र और छात्राओं के पक्ष में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन भी आया। छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर विद्यालय में होता रहा हंगामा। प्रधानाचार्य के समझाने पर भी विद्यार्थी मानने को तैयार नहीं। छात्र और छात्राओं का कहना है कि मेरा भविष्य का कौन है जिम्मेदार, जब तक हमारा रिजल्ट घोषित नहीं होगा हम यूं ही करते रहेंगे धरना प्रदर्शन। बच्चों को सता रही अपने भविष्य की चिंता। मौके पर पहुंची पुलिस बल, पुलिस के समझाने पर भी नहीं मानने को तैयार हैं छात्र और छात्राएं। आपको बताते चलें, यह मामला जनपद औरैया के प्रतिष्ठित जिला पंचायत इंटर कॉलेज मुरादगंज में कल 4 जुलाई को 9 बजे ही हाई स्कूल के छात्र और छात्राएं इंटर कॉलेज में धरना प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होने लगे। स्कूल प्रबंधन के लाख समझाने पर भी छात्र छात्राएं मानने को तैयार नहीं, लेकिन जिला पंचायत इंटर कॉलेज में कक्षा 10 के 350 छात्र छात्राओं का पंजीकरण किया गया था, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को यूपी बोर्ड से रिजल्ट रोक दिया गया। हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित ना होने से छात्र छात्राएं उग्र हो गए, जहां कॉलेज की छात्र और छात्राओं को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को साथ मिलते ही विद्यालय के छात्र और छात्राएँ भी उग्र होकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे और कॉलेज के गेट के बाहर सभी छात्र और छात्राएं बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला पदाधिकारी भी धरने पर बैठकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्कूल प्रबंधन को पुलिस बल मौके पर बुलानी पड़ी तो प्रधानाचार्य जी ने बताया कि 15 मई को मुझे प्रधानाचार्य का चार्ज दिया गया। उससे पहले श्री प्रमोद यादव जी प्रधानाचार्य के पद पर तैनात थे। उनकी जेल चले जाने के किसी को प्रधानाचार्य का कारोबार नहीं सौंपा गया, इसी कारण से यहाँ का हाई स्कूल का डाटा सीट यूपी बोर्ड को नहीं भेज पाने के कारण रिजल्ट रोक दिया गया है। तो जिला अधिकारी महोदय व विद्यालय निरीक्षक से बातचीत की गई है, जो भी लिखित रूप से कार्रवाई होनी थी वह कार्रवाई यूपी बोर्ड को भेज दिया गया है। यूपी बोर्ड का क्या निर्णय होगा लेते ही मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, वहां जैसे भी कोई आदेश आएगा आप सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। जिला पंचायत इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य जी ने छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया है कि आपके भविष्य को लेकर मैं चिंतित हूं और आपके हित के लिए मैं स्वयं इलाहाबाद बोर्ड जाकर जो भी औपचारिकता पूर्ण कार्रवाई की जाएगी मैं करने के लिए बाध्य हूं और आपके भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे, प्रधानाचार्य ने आश्वासन दिया है। मिलते ही सभी छात्र और छात्राएं धरना देना बंद किया और शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर को चले गए। तो वहीं रेखा देवी इंटर कॉलेज की जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने जो कहा वह भी सुनाएंगे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो जिला संगठन मंत्री हैं जो उन्होंने कहा है वह भी सुन लीजिएगा। आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, क्या मामला है? जैसा कि आप लोगों को पता है विश्व का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, समय समय पर छात्र हितों की बात को लेकर आंदोलन करता आया है और उसी को लेकर आज औरैया जिले के मुरादगंज में जिला पंचायत इंटर कॉलेज में 350 से अधिक छात्र छात्राओं का रिजल्ट रुक गया है। आप लोग जिला पंचायत इंटर कॉलेज जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष के अधीन होता है उसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी रही और विद्यालय प्रशासन की भी जिम्मेदारी रही जिन्होंने बच्चों का डाटा नहीं भेजा। बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। ये विद्यालय जो उस समय कोरोना काल चल रहा था और उस समय चुनाव का भी समय चल रहा था जिसमें आचार संहिता भी लगा दी गई थी तो उसमें जिला पंचायत अध्यक्षों के जो बस्ता थे वो जमा हो गए थे। उस समय पूरा जिलाधिकारी महोदय पूरा कारोबार जिलाधिकारी महोदय के अंडर में था जिसमें जिलाधिकारी महोदय भी
टेंडर बांटने में लगे रहे, कहीं ट्रस्ट बनाने में लगे रहे, कहीं चुनावी माहौल में लगे रहे। उन्होंने बच्चों के प्रति जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, विद्यालय में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों का ना यहाँ कोई डाटा देखा, ना कुछ देखा, ना कोई बात कर रहा है। और ये विद्यालय प्रशासन का ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं कि मैंने अपना डाटा नहीं भेजा। बच्चों के भविष्य को लेकर स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं, तो आप किसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं दोषी? सबसे पहली बात तो जिस विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं तो विद्यालय की जिम्मेदारी होती है कि विद्यार्थियों का ख्याल पूरा विद्यालय रखे, प्रशासन तो बाद में आता है। लेकिन जब विद्यालय ही अपना कार्य सही से नहीं निभा पाता है तो उसके लिए फिर प्रशासन को भी बीच में लाया जाता है, क्योंकि ये जो विद्यालय है ये जिला पंचायत, ये प्रशासनिक पूरा है, प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ। क्योंकि जब उस समय पूरा यहाँ चुनाव का समय चल रहा था और जिले में आचार संहिता वगैरह लगी थी, क्योंकि डीएम साहब के अंडर में था, तो इस समय हम दोनों को दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि अपना दोनों लोगों ने अपने चुनाव के और उस कारोबार के चक्कर में बच्चों के भविष्य के बारे में सब लोग भूल गए। यहाँ की जो वर्तमान और इस समय कोई बात नहीं करना चाह रहा है, यहाँ की जो वर्तमान प्रधानाचार्य मीरा कुमार जी हैं, उनका कहना है कि मुझे 15 मई को चार्ज दिया गया लिखित रूप में, उसके पहले मुझे कोई ऐसी अधिकार नहीं था कि जो मैं एग्जाम करा सकें, क्योंकि जैसा मुझे पता है कि कोरोना काल में ऐसे कोई एग्जाम नहीं हुए हैं, क्योंकि जहां तक बच्चों के जो इंटर का जो रिजल्ट आया है वो 10th और 11th के आधार पे आ गया है, और जो बच्चों का 10th का रिजल्ट था वो 9th के आधार पे दिया गया है। क्योंकि जो बच्चों का जब उन्होंने अपनी ये गलती मानी, क्योंकि बच्चों का यहाँ से मुझे जहाँ तक जानकारी लगी है वो यहाँ तक एंट्री सारे बच्चों की डाटे की हुई थी, सारे बच्चे जितने थे उनका डाटा यहाँ से भेजना जाना था, लेकिन उन्होंने मैडम ने क्या किया है वो रिजल्ट का डाटा भेजा ही नहीं है ऊपर तक जी। मैडम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अपनी गर्दन ना फंसने के लिए वो अपने बचाव के लिए ये सब कर रही है। मीडिया से आप क्या उम्मीद रखते हैं? मीडिया से उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय प्रशासन के लिए और प्रशासन तक ये कार्रवाई की जाए कि बच्चों के हित के लिए और उनके रिजल्ट को घोषित करवाया जाए, ऊपर तक ये बात पहुंचाइए। अगर बच्चों के न्याय नहीं मिला तो विद्यार्थी परिषद जब तक आंदोलन करेगी जब तक विद्यार्थी जन छात्रों को न्याय नहीं मिल जाएगा। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अपना परिचय? मेरा नाम सोमू है, मैं विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक हूँ, और हमारे साथ में जिला संगठन मंत्री कृष्ण मुरारी जी भी हैं, और हमारे तहसील संयोजक भी हैं, प्रांत कार्यकारी सदस्य भी हैं, और भी काफ़ी नगर मंत्री जी भी हैं, जिला सह संयोजक भी हैं, और काफ़ी सभी इकाइयों के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, पूरे जिले की टीम है। और जब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक बच्चों का न्याय रिजल्ट घोषित नहीं करवाएंगे तब तक हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। 20 मार्च तक प्रधानाचार्य कि बीच में 2 महीने की छुट्टी पर भी ये गए तो उस समय भी मेरे पास चार्ज नहीं था। तो ऐसे स्थिति में जब हमें नंबर मांगे गए तो उसमें छमाही परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुई, क्योंकि विद्यालय में 9th और जैसा कि पता लगाया 9th और 11th की परीक्षा हो चुकी थी, नहीं हुई है विद्यालय में 9th और 11th की परीक्षा हुई है। उसके बाद जो सरकार ने क्या किया, बच्चों को प्रमोट कर दिया, उसका डाटा जो विद्यालय से था वो ऑनलाइन मांगा गया था, आपने जब चार्ज ले लिया था वो डाटा तो अभी भेजा गया ना आपके चार्ज लेने के काफ़ी समय बाद। नहीं तो 9th जब हमारे 9th के छमाही नंबर उनके भेज दिए, 9th के वार्षिक नंबर भेज दिए, 10th में जो 3 टेस्ट होते हैं उनके नंबर हमने भेज दिए। इस बार तो ऐसा था ना कि कोई गाइडलाइन ऐसी थी नहीं कि टेस्ट और कोविड काल में ऐसी कोई टेस्ट थी नहीं गाइडलाइन, तो बच्चों के जो थे प्रमोटेड नंबर वो स्कूल से मांगे गए, वो डाटा बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम होना था वो नहीं हुआ है। नहीं हुआ, आपने 12th का प्री एग्जाम के रिजल्ट भेजा है ना? बोर्ड जो है प्री बोर्ड का एग्जाम मांगा रिजल्ट और छमाई का मांगा, ये कंफर्म था कि मांगा है। अब चूंकि प्रधानाचार्य जी यहाँ 20 मार्च तक उपस्थित रहे और एग्जाम हो जानी चाहिए थी आपकी फरवरी और जनवरी, अक्टूबर टू जनवरी तक वो एग्ज़ाम हो जानी चाहिए, और अब वो मान लीजिए कि उन्होंने मांग लिया कि फरवरी या मार्च या अप्रैल में या मई में उन्होंने मांगा कि हमें ये एग्ज़ाम का रिपोर्ट चाहिए, लेकिन जब मेरे यहाँ एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। अब यहाँ जो प्रधानाचार्य एग्जाम तो कोविड काल में कहीं नहीं हुए, नहीं सर हुए हैं, क्योंकि प्री बोर्ड का तो भेजना ही पड़ेगा, उसी बेस पे तो रुका है प्री बोर्ड का
और यह छमाई का ये दिशा निर्देश था उनका गाइड, ये दिशा निर्देश हुआ था प्री बोर्ड का जी करवाना है, लेकिन जब प्री बोर्ड का टेंथ का नहीं हुआ है आपने ट्वेल्थ का कैसे भेजा? टेंथ का भी वही प्रक्रिया भी सर वही है, उसमें क्या क्या हुआ बोलो? उसका भी प्री बोर्ड छमाई नहीं गया, लेकिन उसका रिजल्ट आया है। उसका रिजल्ट कैसे आया है इसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया कि एक मंथली टेस्ट होता है त्रैमासिक वाला, त्रैमासिक में तीन टेस्ट होते हैं जो इंटरनल मार्क्स होते हैं 20-20 नंबर का, वो भेज दिया और उन्होंने कहा कि नाइन्थ का भी भेज दिया। आपने ये करवाया मासिक वाला? क्या चीज़ मासिक का भेज दिया? तीन महीने का करवाया मैं। ये सतीश जी बताइए, ये हमारे परीक्षा प्रभारी सतीश जी, इनको टेस्ट बताओ कब बच्चों को बुला रहे हो? भेजिए कुछ बच्चों को बुला रहे हो क्लास को, टॉप आप बुला लो, उसको बुला लो, चाचा को बुला लो, मुझे लक्ष्य मिली नहीं कुछ अभी। तो बच्चों से कहा गया कि आप जो है बोर्ड ने कहा कि आप आंतरिक मूल्यांकन के नंबर जो है चेक करा के आप भिजवाइए, तो मैंने बच्चों से कहा अपने दोनों के एप्लीकेशन पेज ले आओ, बच्चे वो ले आकर उसका सेक्शन वाइज करवाए गए, रिजल्ट उसका तैयार कराया गया, वो बोर्ड को भेजा गया। कब करवाया? 21 महीने में करवाया था। ये करवाया गया होगा फरवरी के लास्ट में, मार्च की शुरुआत। ये तो मैंने अपने स्तर से कराया क्योंकि मुझे बहुत प्रेशर था कि आंतरिक मूल्यांकन जो आपके भेजे हैं और काफ़ी पेपर नहीं मिल रहा है, तो उसमें 5-5, 10-10 क्वेश्चन करवा के वो करवा लिया जाता है। लेकिन डाटा विद्यालय में रहना चाहिए, घर में क्या कर रहा है? कंप्यूटर से प्रिंट होता है तो मंगाइए, विद्यालय में क्या डाटा से नहीं, इसके लिए पेन ड्राइव है ना, पेन ड्राइव में आप डाटा रखिए, पेन ड्राइव है वो डाटा भेज दिया क्या बोर्ड भी भेज दिया? डाटा में रहना चाहिए, लेवल तो रिजल्ट क्यों नहीं आया? बोर्ड भेज दिया आपने डाटा, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आया? नाइन्थ और इलेवेंथ के बाद ऐसा कि कोई परीक्षा ही नहीं हुई है, सीधा विद्यालय से नाइन्थ और इलेवेंथ के आधार पर ही उनके नंबर भेजे गए बच्चों के, तो नाइन्थ के इनके नंबर भेजे गए, छमाई के भी भेजे गए, नाइन्थ और इलेवेंथ के नंबर जो आए थे उसी के आधार पर बच्चों का डाटा ऑनलाइन करके हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट दिया गया है बच्चों को। नाइन्थ के छमाई परीक्षा, नाइन्थ की वार्षिक परीक्षा के नंबर अपलोड कर दिए गए, किसी भी विद्यालय में परीक्षा हुई नहीं है कोरोना काल में, आप कैसी बात कर रही हैं? जब विद्यालय खुले ही नहीं है कोरोना काल में, अभी तक आदेश आया है, कब खुल रहा है से विद्यालय खुलने का आदेश आया, उससे पहले 2 साल हो गया कोरोना काल में, सारे विद्यालय बंद है, आप परीक्षा बंद विद्यालय में परीक्षा कैसे हो सकती है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। बंद विद्यालय क्या 50% बच्चे आने के आदेश थे? परीक्षाएं मात्र बीएससी ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए उन्होंने लेटर जारी किया है यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि उनकी परीक्षाएं होनी थी, और बताया हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई है, उनको प्रमोट कर दिया गया। एक मिनट, क्या हाई स्कूल का बच्चा तुम इधर आ, आप ये बच्ची है किसी भी दबाव में मत रहना, जो बात किसी भी दबाव में नहीं बोलना, बिल्कुल सच बोलना और सामने बिल्कुल सच बोलना। ये बताओ तुम लोगों के त्रिमासिक टेस्ट हुए, टेस्ट हुए थे मंथ वाले, टेस्ट हुए तीनों टेस्ट हुए, ठीक, आपने अपने पन्ने पे टेस्ट दिया, ठीक, पैसा पन्ना तो खाने कॉपी वाले पन्ने पर आए, कॉपी वाले पन्ने इसलिए कराया गया कि ऊपर से हमें कोई कॉपी पेपर मिला नहीं, तो हमें मजबूरी थी उस पर करा के ये काम को करने का ताकि रिजल्ट ना रुके, लेकिन प्री बोर्ड और वो बिना कॉपी पेपर जब तक बाहर से छप के पूरा नहीं आएगा तब तक वो नहीं होगा, अब वो प्रधानाचार्य का काम है, वो हमें अवेलेबल कराए, उन्होंने अवेलेबल हमें कराया नहीं, प्रधानाचार्य थे ही नहीं यहाँ पे, प्रधानाचार्य थे ही नहीं यहाँ पे, आज कौन था? नहीं नहीं चार किस डाटा कैसे ऊपर भेज दिया? कौन सा वाला जो त्रैमासिक वाला ही आपके सिग्नेचर पेपर भेजे हैं ना, त्रैमासिक वाला भेजा है आपने? त्रैमासिक वाला अलग मैटर होता है, प्री बोर्ड उसका अलग होता है, त्रैमासिक और आंतरिक मूल्यांकन का रेट का आपने इसकी कोई अभी तक सूचना दी नहीं? हमने उस दिन भी हम आए थे जब आपने कहा
ज्यादा हम सूचना दे रहे हैं उसकी जो रोज वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, जब वहाँ से सूचना नहीं आ रहे, फोन कर रहे, फोन नहीं उठा रहा, बताओ मैं क्या फोन जबकि 30 तारीख को रिजल्ट निकला है। कल हमारे डीएम साहब से बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि इसमें घोषित होना चाहिए, स्कूल की गलती बता रहे हैं। अगर जब मतलब अभी हमने बात की, आज सुबह भी हमने बात की, स्कूल की गलती है, आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की। स्कूल की गलती कहाँ है? जो पूर्व में थे, जब हम प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने पहले जब वो जेल चले गए तो आपको चार्ज देना उनको देना चाहिए था, नहीं दिया ना, तो गलती किसकी है इसमें? मेरी गलती थोड़ी नहीं, गलती है गलती तो डीएलओ साहब की भी है इसमें। परीक्षा कैसे करानी थी, कैसे करानी चाहिए, आप बात सुनिए, बच्चों के साथ जो अहित हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इनके साथ कैसे हित होगा ये बताइए आप। आपने नहीं कहा किसी भी बात, विद्यालय से नहीं कहा मुख्यालय मुख्यालय मुख्यालय